पुराने ज़माने में हमारे इस गांव में सारा बहुत था। पहला बाहर जाता काम करता गया तो बड़ा अस्पताल काम किया सर। ठेकेदारों ने ठेका लिया और पेड़ों को कटवा करके कोलसे निकाले। हमारे इस गांव में कम 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। पार्ट थे वो नंगे रह गए और फिर बारिश भी धीरे धीरे बंद होने लगी। मजदूरी करो बाजार नहीं जाना पड़ रही हो यहाँ कर रहे वहाँ। लोग ज़्यादा मवेशी रखने लगे, अच्छी किस्म के रखने लगे, दूध देने लगे और लकड़ी मिलने लगे। उनके पास भी पशु तो है तो वो उनके पशु सारे चारागाह के ऊपर निर्भर रहते हैं। चारागाह नहीं होता तो हमारे गाय भैंसी को क्या खिलाते। जहाँ जहाँ ये जो संस्था बनी हुई है काफ़ी गाँव को फायदा मिला। Commons denote resources that belong to everyone. They are collectively owned and every member of the community has a right to use them. Water, forests, grazing lands, air, all are common resources. People on the margins of society depend heavily on these commons for their livelihoods. Be it open grounds, wells, rivers, streams, or even the village meeting place, all are resources that belong to communities. With privatization and profit-driven development, the commons are under threat everywhere. In the tribal belt of southern Rajasthan is a small village called Achalpur. In 2008, the village initiated watershed development. The people of Achalpur worked collectively for the conservation of their common grazing lands. Encroachment constituted a major threat. After years of struggle, today Achalpur has successfully conserved 37 hectares of pasture land and peacefully vacated all encroachments. पहले तो सर ऐसे ही थी जमीन, खंजर जमीन ही पड़ी थी, पशु सरता था। तो फिर ये सस्ता वाला आया हमने इकट्ठा किया, दो चार लड़कों ने काम पे लगवाया हमने, सर्वे की दी इन्हें, सब खेतारी ने लिखो पढ़ो करी ने लई दिन साहब ने बताया अन पसंद सब जन गाम इकट्ठा गए रहे। मेरे गाँव मारा 5-10 गाँव मारा इकट्ठा गया, सब मली जली रोकी, मजदूर तैयार किया जो बटे काम पे जा था पंचायत में तरा पे मारा बन किया वहाँ लगाया कोई धाना फिर जेर दांगा। सब काम करता करता दो तीसरे साल लाग गयो तो गए साल भी सारो काटे हुआ मन का है, फायदो भी मन का है पूरा काटे था तो 3 रुपया पूरा मिल रहा था तो 2 में दे दिया यहाँ तो भी पैसा सब समिति में डालना। मुँह लाएगी तो मैंने देना, आप लाइए तो आपने ही देना है कर सब पैसे समिति में डाल लिया। और ये मेरे सर का अभी तो बहुत अच्छा चारा हो गया। FES की तरफ से मैं इस गांव में हर एक एक्टिविटी को फैसिलेट करने का काम करती हूँ, चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट करने में है या मॉनिटरिंग में है। गांव के लोगों को पता है कि गांव में क्या काम होना चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए, और गांव के लोगों को ही पता होता है कि उन उस गांव के लिए क्या सबसे अच्छी चीज़ है।
2009 में जब हम यहाँ पे सामलाती संसाधनों के ऊपर काम करने की जब प्लानिंग कर रहे थे, तब ये था कि यहाँ पे इस गांव का 2-3 गांव के बीच में एक चारागाह है, वो कुल 37 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसके ऊपर कुछ 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 लोगों के कब्जे थे। यहाँ पर चारागाह की कोशिश करी थी वकील ने, जिसने रात को जिसी भी चलाई थी, सोया हुआ था तो ये आसपास की लाइटें काई की आ रही बार बार ऊपर, तब हम मालूम पड़े कि सामने चर खोदी जा रही है वापस। तो रूपलाल जी जो है मेट थे, इनको बुलाया गया रात को उठा के, इनको बुलाया, उनको मकान दूर पड़ता है तो उनको नज़र नहीं आया कि ट्रैक्टर चल रहे होंगे कहीं, मतलब खेती होती हाँक रहे हैं। हम रात को गए तो उन्होंने बंद करी नहीं, फिर हमने था ये फ़ोन लगाया वहाँ पर संजीव भाई के पास, फिर वापस वहाँ से ये हमारे सरपंच साहब वगैरह ये उनके लड़के वगैरह आए रात को, आए फिर बंद करवाई, तो उसने मार पीटने की बहुत सी मगजमारी करी रात को, रात को बंद करवाई, तो सुबह फिर आया हमारे घर पे, तो आटा लेने गया मैं मार्केट, तो इनने क्या करा पीछे से आया तो मेरे मिसेस को धमकी दी, तो तुम्हारे को मार डालेंगे, तुम्हारा झोंपड़ा एक सेकंड में बिखेर देंगे, तुम्हारे बाप की ज़मीन है क्या सरकारी ज़मीन है, इस तरीके से उनने धमकी दी। तो पैसे का जोर है उनके पास, तो कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे पास पैसे नहीं मिलते हैं, तो हम मजदूर इंसान हैं, हम पैसे लाएं कहाँ से। वहाँ वो मशीन लग रही नहीं भट्टे की, तू आगे कब्जा कर रहा था यहाँ पे, तो कब्जा कर लेगा तो गांव वाले को थोड़ी आने देगा, वो तो दिन रात ही मशीन बस बस चलेगा तो कसरा बगदा तो उड़ीन गांव में ही आएगा, तो सब गांव वाले अरे मेरे गांव वालों ने सूचना दी थी कि यहाँ ऐसे है जगह ना, धमकियाँ भी दी थी, वहाँ भी धमकियाँ दी थी, पर गाँव वाला सरपंच भी है, सचिव साहब भी था, पटवारी साहब भी था, पटवारी ने बुलाया, खूब मेहनत की थी, खूब कर्मचारी लोग आया, सब ने डांट धमट दी, कलेक्ट्री में भी दी दो। Pollution due to mining in the adjoining areas began to take its toll on the grazing lands of Achalpur. Dust from the quarries would settle on the vegetation and hinder growth. Thus, the villagers began a prolonged struggle against the mining lobby. The youth of the village also came together to play a key role in the struggle to conserve the commons. पढ़ाई के साथ साथ वाटरशेड में भी काम करने लगा था, नेट प्लानिंग से मेरी शुरुआत थी और अभी तक पढ़ाई भी चल रही मेरी और यहाँ भी काम करता हूँ। तो हम पढ़ाई भी होने के बाद जो मैं खाली समय बचता है के, तो चारागाह के लिए गांव की मीटिंगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो लिखा पढ़ी का नहीं आता उन लोगों को, पुराने समय के लोग हैं तो हम कर लेते लिखा पढ़ी का काम। पहले तो जो नाराज रहते कि आजकल छोरा अपनी बात राह नहीं करे, अभी अपने मन पड़े वो जो करे, मन की राह नहीं ले, कई करे एक दो साल कूदी लेगा नहीं, न्यूज़ पढ़िया रहेगा कहीं खड़ा खदड़ी चली जाएगा लोग, ठीक है हमने यहाँ धीरे धीरे काम किया, काम देख रहे हैं लोग, आज शाबाशी दे रहे, आज उनके साथ वो पास में बैठा थे, पहला पंचायत में भी नहीं आने देते हमको, मेरे को तो पंचायत में आने नहीं देते पहले, क्या करेगा हमारा गिरदी लड़के है, तो आज पंचायत में जाते पंचायत वाले मन खुद ही रहा ले भाई कई काम करना बढ़िया काम वही था, और मन बताओ जो मन पंचायत दूसरा गाँव में उपयोग कर सका जानी, और आसपास वाले लोग भी देखिए सर मन तो पूछे चारागाह कहीं तरह बनाए हो, गाँव में काम कई तरह कर रहे, सार्वजनिक समितियाँ कई तरह चली रही, आप अतिक्रमण तो कई तरह हटवाए हो। मेकिंग मावा और मिल्क केक इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ अचलपुर। द विलेजर्स ओन लार्ज हर्ड्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटल। The regeneration of the grazing lands has increased the supply of fodder. This has helped people keep more cattle and thus improve their earnings from the sale of mawa. चारागाह की वजह से मैं दो गाय मोल ला चल रहा हूँ, चारागाह के पैसे से लाया हूँ मैं, मजदूरी मिलने पर इतना फायदा हुआ मेरे को, मतलब दो गाय लाया हूँ मैं, उसके अलावा मेरे को चारा मिल जाता है चारागाह से, वो गाय खाती है, हमारा बच्चे बच्ची जो है मतलब दूध के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, हम दूध कहाँ से लाएं रोज के, इसलिए हमें दूध का फ़ायदा है, उसके अलावा अगर वो गोबर करती है उसका हमारे कंडे थेपते हैं उसका हमारा फ़ायदा है, कि बारिश में हम पूरी बारिश जला सकते हैं, हमें मच्छर खाते हैं तो पंखे हैं नहीं हमारे पास, लाइटें हैं नहीं, तो उसकी वजह से ये कि हम धुआड़ी करते हैं, उसका धुएँ की वजह से हमें मच्छर नहीं खाते हैं।
पहले यहाँ पे महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठती थी, मंदिर पे कभी महिलाओं को बैठने का अधिकार नहीं था, महिलाएं कभी भी यहाँ पे समूह में बैठ के या चर्चाएं नहीं करती थी, कोई निर्णय नहीं लेती थी। 3 साल में यहाँ पे धीरे धीरे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए। अब महिलाएं यहाँ इस गांव में तो सारे समूह की महिलाएं 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को मंदिर पे बैठती है, वहाँ मीटिंग करती है और जितने भी मुद्दे हैं महिलाओं से संबंधित वो सब पे चर्चाएं करती है। Thoria is a small village near Byawar in Ajmer district. With tremendous effort, the villagers have successfully transformed their barren rocky pastures into a lush green forest. हमारे पाड़ोस के अंदर डिस्ट्रिक्ट है पाली, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और हमारा प्लांटेशन से सीमेंट फैक्ट्री ओनली 5 किलोमीटर है। तो वहाँ पे आप जाके देखिए, बिल्कुल हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म है। जब वो फैक्ट्री चालू हुई थी तो जब वो लोग पैसे कमा रहे थे बहुत, कि आज हमने तो 200 रुपये कमाए, आज हमने 500 रुपये रोजाना कमाए। हमने कहा भाई हमारे तो आज यहाँ पे 50 रुपये की मजदूरी है, कि हमारा तो सीमेंट फैक्ट्री आ गई और हमें तो बहुत मज़ा आ गया, हमारे तो गाँव की तरक्की हो गई। हमने कहा भी कि उन्होंने कहा आपके गांव में लगा लो, हमने कहा हम नहीं लगाएंगे, तो क्यों नहीं लगाओ, मैं कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, ये सारी स्थिति ख़राब हो जाएगी, ये वातावरण ख़राब हो जाएगा, और हम तो इस फैक्ट्री वालों को यहाँ पे पनप नहीं नहीं देंगे। अब हम उनकी दशा देख रहे हैं, वो अब हमारे पास में आ रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का काम कर लिया, हमारे जानवर चरने की ज़मीन नहीं है और बिल्कुल खेती करने लायक ज़मीन, हमारी सारी ज़मीन थी वो ज़मीन फैक्ट्री वालों ने अवाप्त करके हमारे से ज़मीन खरीद ली है। मसला रे रेणो रे रेणो समंदरिया के माये ना डूलिया मनाई रे रेणो दिन मसला रे बैठो रे बैठो बड़की पलकी सावरिया बाके रंगे सायानी बैठेणो हसला रे रेणो रे रेणो भईड़ा के माये दुश्मन मनाई रे रेणो हसला रे बैठो रे बैठो दौरज चाइया किला रे बाई रमनाई रे रेणो हसला रे रेणो रे रेणो भईड़ा के माँ अजमेर में तो बड़े मेटी में गया जी, मेटी में गया तो मेटी में कियो कोई रुकवाड़ा रहे को नहीं, मैंने कियो मैं रुकवाड़ा रहूँ, इसको जंगल बना दूंगा, जंगल बना दूंगा, पर सरपंच साहब हा वहाँ के चंद्रा राम जी भी 12 की बात है ये, मैंने कियो भी जानकारी थकी होनी चाहिए, थे जानकारी रखो तो जंगल तुम बना दे, क्यों कि ऊपर थाना थपेना को भी डर साहब है, देखियो कि मरे सीमें ठोक जिए तो तू खूब ठोक बोले तेरे को थाना में नहीं जान दूँ नहीं था भाई, और मैं सबको कूट मार कर दी सबको, कहीं नहीं है जब ये जंगल बनिया। हमारे यहाँ पे चरागाह का अतिक्रमण का केस आया भी है, एक दो केस आए, गत वर्ष एक आदमी ने चरागाह जमीन के ऊपर तिल की बुआई कर दी, गांव वालों से ले जा करके उनको जमीन को पूरे जानवरों को छोड़ दिया और उनको कह दिया, पहले उनको कहा
कि भाई आपने ये क्यों लगाया तिल? तो उन्होंने कहा भाई मैं तो 2-4 बीघा लगाता हूँ और ये मेरे को लगाना दीजिए। तो हमने कहा भी अगर आप लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा, ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, तो ये चरागाह जमीन नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने लगा दिया जो लगा दिया, और अब हमें इस ज़मीन के ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं करूँगा, न अतिक्रमण करूँगा, और मैंने जो कर लिया है मेरी यही सजा है कि इस मेरी ज़मीन के ऊपर जानवर चरा के हटा दो, नष्ट कर दो इनको। तो कर दिया इनको, उनके आत्मविश्वास के, उनके कहने से उनको विश्वास में लेकर के, और उनको वो अतिक्रमण हटाया। पहली कांकड़ा, बाद में जंगल राज्य, बाद में पेड़ हल गया, तो जलग्रहण को काम से लिया इसमें, पेड़ हल गया, इनकी रुकवाली करी, रुकवाली करने के बाद में पेड़ हल गया। 5 साल तक तो गाय नहीं कुछ बाधी, बाद में इसमें छोड़ बल आ गया, गणती से गणती ले लेता, छोड़ देता। अब हमें चरागाह की सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये जो ज़मीन है, सरकार से हमने एक बार प्लांटेशन लगा दिया, चरागाह ज़मीन है, शिवाचक ज़मीन, अब हमें सरकार ने तो पैसा देगी और न हम उसे लेंगे। अगर वो कहेंगे हम देंगे तो भी हम नहीं लेंगे, क्यों कि हमारे पास में भगवान की प्रकृति की मेहरबानी से ये जो पालन पोषण करने का हमारे को ये प्लांटेशन खड़ा हो गया, और हम उसके ऊपर भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। Seventy kilometers away from the textile hub of Bhilwara is the small village of Sanjarika Baria. Since the 1990s, this village has done pioneering work in conserving their commons. Around this time, K.C. Bai, a woman from the Dalit community, became the sarpanch of the Chitamba Panchayat with sustained support from progressive male members of the panchayat. K.C. Bai, along with the women of the village, was able to bring about significant social changes in Sanjarika Baria. Samrat ka kaam is waqt mein to Phakulya mein hua, Sanjarika Baria mein hua, aur Chitamba mein hua. Chitamba mein to pehle bahut hi purani time mein Mangra Mewad Vikas Sanstha Kabra ke sahyog se pehle wahan hua tha, Tubel ke paas mein. To wahan par 200 bigha mein kaam kiya. आज के 30-25 साल पहले काम की दो जगह में तो पुरुषों की कमेटी, विकाबाद में अटे हमारे एक ऐसी महिला सरपंच बनी, वी सरपंच बनवा के कारण हूँ कभी भी इटे फंक्शन है तो जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, और भी कभी कलेक्टर साहब को प्रोग्राम वे तो विका महीने किसी भाई अध्यक्ष ही तो इन्हें इनकी जगह पर बिठा था, कुर्सी पर बिठा था, हर तरह इनका आके इनको दिया। संजड़ी का बैठे हूँ, इनके साथ में औरतें आती, वे औरतें वहाँ देखो भाई अपन भी इतरे रहवा और अपना हाथ में भी कोई अधिकार लेवा, तो ये आ लोग आ औरतों की इच्छा आ गई। इनमें इच्छा जागृत भी तो मैंने संजड़ी का बैठिया की कमेटी बनाई, संजाड़ी में कमेटी बनाई तो महिलाओं की समिति बनाई। उस वक्त में कई पुरुष ऐतराज किया कि भाई अताई के ऊपर महिला बैठती नहीं है, हमारे पूरा एरिया में अताई पर महिला नहीं बैठती, पुरुष ही बैठते, परंतु बराबर रख दिया कि भाई इधर पुरुष बैठेंगे तो इधर महिलाएं बैठेंगी, पेमेंट करना, जो भी काम करना, काम का निर्णय लेना, ये सब वहाँ महिलाओं ने सुप्रत की दो।
प्यारो का कहो गुराम जी हा ए सम्मा के जाने पूरे गांव में मदद सब मदद की दी कि भाई ऊ कोई ने कि भाई ये ने बैठना है पूरा गांव से सब जाने मा के झूठ वे नी आसे आचान बैठ बो हिच दूजे ऊ कोई विरोधी ने कह दी जाने विरोधी वाली पार्टी की कोई वह बनने के बाद में वह कई करती के कुर्सी पे बैठती हत्याई पे बैठती तो हमारे यहाँ औरता ही तो ये भी दो दिन हेलो पारती कटे हो बैठो हमारे हंडे बैठो ये बैठती कि आप कहो जो करेगी विकास करना है बच्चों को बढ़ाना दारी छप्पड़ जोड़ के चार रहना अच्छा बारह झाड़ा काटना खेता का काम अच्छा करना सोरे ने टारा छालू पड़ना नहीं मरता भोजन कम करना और छोरे ने दारी सपड़ा और बूटे पटवा के लिए भेजनी के सारा काम है करेगी तो वह काम बढ़िया हो गया समाज में लड़ना पड़ा क्योंकि मेरी पालडा की जो हत्याएं पर नहीं बैठती है औरतें थो क्यों बटानते तो मैं कह रही हूँ भाई को थक नहीं बटानते तो अब देख लो आज थारा गांव में जो पालडे थे ना कोई थे भी नहीं बटो लुगाई ने अड़बाई नहीं दे रहा हो तो वह दारी भी बच्ची ने तो पटवा मेले ने भी नहीं हपड़ा सके ने थारे रोटी खुद ही पोस सके ये क्या है से देखो शेषता भी बनी हाँ मांगे स्कूल होना ही तो छोरा छोरी स्कूल में सब ए कोई डांडा डोर में नहीं जा सके सब स्कूल जाए मैंने बढ़िया जटा से सरपंच बढ़िया जटा से आ स्कूल बनी Forming the Samiti was the first step. The people of Sanjari Ka Barya got together to ensure that people from all sections had access to the benefits and that all households were involved in the protection of the commons. Rakhwali garba mein badi pareshani aayi to mahila ek ek aaj aap gaye to lakdi thi wa lakdi aaj aap len gaya sham ka aap ghar rakhi दूसरे दिन आप जाओगे इस तरह से महिला बड़ी हिम्मत करके इस जंगल को रखा और इन्होंने चौकीदारी के ऊपर बहुत सहयोग किया जिका ऊपर पुराना आदमी कुछ अभी कियो कि भाई अताई के पास में होकर के महिला जूतियां पहननी नहीं दिख रही तो ऊपर बैठना ठीक नहीं इस बात को मानी नहीं कुछ लोगों ने आगे खींचा प्यारा बाद जिशान और एक बोझा बहन पांच हाथ जनाने आगे करके आ तैयारी की थी भाई कैसे ही करके महिला अताई पर बैठेगी निर्णय यही लेगी सामलाती जगह में कहीं पर खान नहीं होने देने की इच्छा हमारी भाई नहीं होने देंगे परंतु आपकी जो खुद की जमीन है
वह जमीन आप पैसा लेकर के बेचते हो तो उनके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। रुई पानी की कमी हो जाएगी, जमीन में घास चारा कोई भी चीज पैदा नहीं होगी, सारी तरह से तकलीफ तो है ही है। कोई कोई देखता पैसा बहुत आ रहा है लेने की कोशिश करो, ये आगे जाकर के आपत तो है ही। सारी समितियाँ की दो तीन बार मीटिंग हुई है, जिसमें दो दो चार चार आदमी आकर के हम लोग सामलाते मीटिंग करते हैं। भी मीटिंग में इन्हें कड़ी झगड़ा आ जावे, कड़ी कोई नाजायज कब्जा की बात आ जावे, कोई नए अट्टे कोई ज़बरदस्ती नुकसान पहुँचावे, वाकई लिए अट्टों इन चितामों कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा कि भाई ये तो ज़बरदस्ती कर बोझ आ रहा बच्चे या दूसरा अड़ोसी पड़ोसी आकर के माने कंट्रोल करवा की बात करें। Monthly meetings are held at Gyangar, where representatives from 9 village committees come together and discuss common issues related to conservation and rules of access to commons, and to resolve conflicts which cannot be sorted out at the local level. Realizing the importance of common resources, the government of Rajasthan has come out with a clear set of instructions for the villages as well as the district administration. The Gram Sabha or village general body needs to be convened, and the revenue officials should share the details of common property resources available. The village should demarcate its own commons. The village can convert nearby revenue wastelands into common pastures based on the number of cattle in the village. Every village should form a 5-member committee with at least 2 women members to look after the common pastures. The Rural Employment Guarantee Scheme, or MG Narega, and watershed projects should be used for the development of common pastures. Achalpur, Sanjarika Baria, Thoria, and many more villages demonstrate how community-led initiatives to protect the commons can revitalize village economies, promoting equity, sustainability, social and gender justice.